ओए टायर के आगे हटाते हैं बेवकूफ, मेरे को दिखा ऐसे नहीं हटती भाई। यहाँ पे पंगा हो गया हमारा, फ्रंट टायर टायर फट गया। जो होता है चील होता है, चेसी में भलाई है। ये हमारी गाड़ी बीच में फंसी हुई है, पीछे भी एक गाड़ी आ गई है, वो भी नहीं निकल सकती जब तक हमारी गाड़ी नहीं हटेगी। भाई सुमित पाजी से बात हुई है, वो कह रहे हैं टायर यहाँ पे मुश्किल ही है काजे में मिलना, क्योंकि 18 इंच टायर है। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल, मैं उम्मीद करता हूँ यू आर वेरी गुड, वी आर वेरी वेरी गुड। भाई व्हाइट लोटस में रह के तो मजा ही आ गया, क्या रात को नींद आई, घर जैसी भाई, घर जैसी भाई। भाई हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी, जितनी जोर से इन्होंने खराटे मारे ना, मैं समझ गया इनको बड़ी बढ़िया नींद आई है रात को। तो अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं, लेट हो गए हैं थोड़ी, क्योंकि नींद बड़ी अच्छी आ रही थी तो सारे ही लेट उठे। भाई ये केस बनी हुई है, लोग यहाँ जाके मेडिटेशन करते हैं। ओके थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। बोले सो निहाल श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज ना आप सबको हमें एनर्जी ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही होगी, क्योंकि प्रॉपर स्लीप प्रॉपर फूड भाई वो एनर्जी पूरी आ जाती है। जब प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर फूड ना मिले ना तो वो कैमरे पे दिख जाता है कि आज सारे ना लो लो हैं, आज नहीं हो पा रहा, बट आज सारे फुल एनर्जेटिक हैं। तो आज हम निकल गए फाइनली काजा के लिए, तो है 65 किलोमीटर, 2 घंटे लगने हैं, तो हम अराउंड 12:50 पे पहुंच जाएंगे, 12:50 1 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज ना हमने सफर थोड़ा सा लेट शुरू किया है, तो उसके चक्कर में वी आर रनिंग बिट लेट। कल जल्दी शुरू किया है, कल उल्टा जल्दी शुरू कर लिया था, कल जल्दी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हाँ आज हमने सब कुछ कर रखा है, हाँ ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन है हमारा। भाई थोड़ी सी आगे चल के ना हम रुक गए हैं, क्योंकि इतना प्यारा सीन है ना यार, मेरा तो जी कर रहा है आराम से ये कवर करें, क्योंकि ये ब्यूटी ना भाई बार बार कवर नहीं की जाती। दिल्ली से यहाँ पे रोज रोज आना आसान नहीं है। एक टी स्टॉल भी आ गया, भैया से पूछते हैं गर्म पानी मिल जाएगा तो इसमें गर्म पानी डलवा लेते हैं। झूले भी है, झूले कैसे हो? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्म पानी मिल जाएगा? गर्म पानी डाल दो इसमें। और क्या नाम है? ओके। पापा सबको पिनिया टेस्ट कराने में लगे हुए हैं। भाई जैसे जामुन का कलर होता है ना, वैसे नीचे पेड़ लगे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे सोने, पूरी वैली इतनी प्यारी लग रही है। रोड देखो बिल्कुल फ्लैट रोड, बिल्कुल लद्दाख वाली रोड आ रही है। जो सीनरीज में दिखाते हैं ना कि चारों पासे डेजर्ट डेजर्ट और सीधी रोड बिल्कुल। भाई बस उड़ाते रह देंगे क्या ड्रोन। इतना प्यारा व्यू है ना सामने कि कुछ बोलने का जी नहीं कर रहा, बस दिखाए जाओ कि उसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, इतना प्यारा। और शब्द चल रहे हैं, ओए होए होए, सुकून आ रखा है, खुशी अपने आप ही आ रखी है चेहरे पे। गांव आते रहते हैं तो ये शिचलिंग आ गया, शिचलिंग यहाँ पे ना, मेरे को तजिंदर पाजी ने बोला था यहाँ पे एक डोलमा अंकल है, उनका होम स्टे है, बहुत अच्छा है उनका होम स्टे। अगर ये नहीं है वो वाला है, अच्छा वो है, हाँ यहाँ पे एक अंकल है बहुत प्यारे अंकल है, तो हमारा अगर आते हुए हमें स्टे करना हो तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं। वो देखो ऊपर ऐसे लग रहा है दीमकर ने अपना घर बना रखा है। ये कुदरत ने मम्मी सारी चीजें बनाई कैसे हैं यार, ऑटोमेटिक कैसे, क्या बना हुआ है, कैसे क्या बना हुआ है पता ही नहीं है, अलग अलग चीजें प्यारी। तेरे रंग निहारे तेरे रंग निहारे। भाई हमारे पास ना दो ऑप्शन है, या तो हम सीधा चीचम ब्रिज चले जाएं या शिचलिंग के ही ना वहाँ पे ढांकर मोनेस्ट्री है ऊपर जाके, ये रास्ता जा रहा है ऊपर का, कहाँ जाना पहले भाई? तो पहले हम जा रहे हैं ढांकर मोनेस्ट्री, क्योंकि ना यहाँ से सिर्फ 23 मिनट का रास्ता है, 8.5 किलोमीटर है, बिल्कुल ऊपर जाके है, बिल्कुल ऊपर जाके वो रही मोनेस्ट्री, वो रही बिल्कुल ऊपर जाके दिख रही होगी ना आपको, मम्मी की आवाज कम सुनाई देगी ऊपर आके। क्या हो गया मम्मी? यहाँ पे आके मम्मी होता है बस फटाफट, मम्मी की जुबान भी बंद होगी, मम्मी की जुबान भी बंद होगी, कान तो बंद होते हैं, बाड़ों में की जुबान भी बंद होगी। पूरा विलेज बना हुआ है, दूर से छोटा सा लग रहा था, ऊपर आके पता चल रहा है।
भाई जो यहाँ के जो मॉन्क होंगे ना, मतलब जो मोनेस्ट्री में रहते हैं, वो मैं ये सोच रहा हूँ कितने भगवान से जुड़े होंगे पापा। चारों पास से शांति, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, कितना अलग लेवल का स्पिरिचुअल लेवल होगा उनका। कैसा लग रहा मम्मी? जा भी रहे हैं, फिर खून सुखाने का फायदा। ऐश करो मम्मी, ऐश एंजॉय। मैं तेरे नाल खून पीती रख। इतनी शांति में खड़े होके ना व्लॉग करना पाप है, लोगों की शांति भंग हो जाएगी। भाई ऊपर सारे प्रेयर रूम्स पड़े हुए हैं जहाँ पे वो प्रेयर और मेडिटेशन करते हैं। यहाँ से देखो व्यू पॉइंट। ओ भाई साहब ये देखो भाई, जिस रास्ते से हम ऊपर आए थे ना, अब उस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि वो लंबा पड़ेगा। तो ये रास्ता है, ये काजा के लिए निकल जाएगा। ये नीचे जा रहा है मोनेस्ट्री की तरफ और ये ऊपर जा रहा है काजा की तरफ। अगर हम उसी रास्ते पे वापसी जाते ना तो वो शिवलिंग पहुंच जाते हम। हरप्रीत, सिमरन, करन, गगन, क्योंकि हमारे पंजाबी पेरेंट आराम से बोल पाए। मम्मी हम पहले दिन कार रुके थे, दूसरे दिन चिरकुट 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 रुके थे। और मम्मी अभी का, अभी कहाँ पे जा रहे थे हम? चिमचम क्या था? शीशम, शीशम, शीशम ब्रिज। ये नदी है ना, तो गगन कहता है ऐसा कोई रास्ता है कि नदी के उस पार चले जाए। मैं कहा तू क्रॉस कर सकता है, नदी इतनी गहरी थोड़ी है। मम्मी नहीं 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 बच्चे, करनी थोड़ी है मम्मी यार, सच्ची थोड़ी है, हम तो बात कर रहे हैं यार। मम्मी कहेगी मेरे को अपने बच्चे पे भरोसा नहीं हो, कर भी लेंगे। है मम्मी बॉडी अजय गल्ला ना करो। नहीं वैसे गहरी नहीं है, पत्थर दिख रहे हैं नीचे पड़े हुए। तू रहने दे ना। पत्थर तो दिख रहे हैं पर कितने गहरे दिख रहे हैं वो थोड़ी पता लग रहा है। मम्मी एक बार कर ले, काजा मम्मी हम पहुंच गए हैं। काजा का गेट आ गया, वेलकम टू काजा हो गया जी। भाई काजा से ना पेट्रोल जरूर भरवाना है हमने, क्योंकि ना वापसी फिर हमें पू में ही मिलेगा। तो और ये कहते हैं कि ना 4:30 कुछ बंद हो जाता है पेट्रोल पंप। भी आएगा इस टाइम लगेगा। क्यों टाइम क्यों लगेगा? बंद पड़े हैं सारे, तो ये तो सारे ही बंद पड़े हैं। लाइट नहीं आएगी, ये तो सारे इसके मीटर बंद पड़े हैं। पूछ के हूँ छेती आ जा ढोलना सारी पंप बंद पड़े हैं। नहीं ये वाला चल रहा है पर मेरे को लगता कोई बंदा है नहीं ये वाला, और मेरे ख्याल ये पुराना था। यहाँ पे पुरानी मशीनें लगी हुई हैं, अभी भैया गए हुए हैं, एक ही स्टेशन चल रहा है सिर्फ। वो लंच ब्रेक है ना, SBI पेट्रोल पंप है ये। लंच ब्रेक पे क्या हुआ है? टाइम भी हो ही हुआ है, टाइम भी 2 बजने वाले हैं ना, यही लग रहा है भाई शायद यही है। आ जाओ जी, आ जाओ भाई। फ्यूल अप करा लिया हमने, तो अभी जो खुला होता है 9 से रात को 7 बजे तक, पर मई 1 मई से टाइमिंग बढ़ जाएगी, सुबह 7 से 9 हो जाएगा, पुट्ठा हो जाएगा। असल से हम निकल चुके हैं चीचम ब्रिज की तरफ। इंडिया के ना किसी भी कोने में आ जाओ, आप क्रिकेट को दूर नहीं रख सकते। पूरा नेट लगा के प्रैक्टिस हो रही है, पूरे पैड पुट डाल के प्रैक्टिस हो रही है। वो की मनुष्य और ये सारे होम स्टेज बने हुए हैं। अच्छे का व्यू देखो आप, ओए होए 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 होए, क्या बात है यार, हर मोड़ पे क्या बात ही आता है, बस शब्द ही कम पड़ जाते हैं। लाजवाब, हसीन, खूबसूरत, बेमिसाल। जल्दी वर्ड बताओ रे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और मम्मी मम्मी आप भी तो दो एक वर्ड। सोना सोना, सुनखा। आगे सर मिलेगी चीजें पे। ओ भाई साहब क्या बात है भाई, सर को ना सर के टायर पंचर हो गए सर आपका। हम पंप लेकर चले हैं, थोड़ा सिस्टम लेके चलते हैं। आप सर आप वहीं से आ रहे हो सर चीचम से? अच्छा आप चेकिंग हो, सॉरी सॉरी, ये टायर पंचर हो गया भाई, यहाँ पे हवा भर देगा। स्टेपनी चेंज करवाई, उसमें स्टेपनी में भी हवा नहीं थी। अच्छा अब दोनों ही अपने को काम खराब हो गया। स्नो मिलेगी आगे
ਸੁਸ਼ੀਲ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਹਿਜ ਭਾਈ ਦੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਓਕੇ ਜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਜੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਜੀ ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਾਈ ਭਈਆ ਕੀ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਹਵਾ ਭਰ ਦੀ ਹੈ ਤੋ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਏ ਥੀ ਤੁਮਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਵੋ ਜਾ ਨਾ ਪਾਤੇ ਕਾਜ਼ਾ ਨਾ भाई स्नो मिलनी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है अभी स्नोफॉल के चांसेस है शायद ज्यादा हो जाए हल्की फुल्की हो रही है अभी विजिबल नहीं है ना कैमरे में टैलेंट तो इनका है हम स्कॉर्पियो लेके चलते हैं ये भाई ऑल्टो में इतनी ऊपर आ जाते हैं दिक्कत ही नहीं आती ये हिमाचल वालों को ऑल्टो में दिक्कत कभी आएगी नहीं क्यों लाइट वेट गाड़ी है हल्की गाड़ी है कहीं फंसेगी उठा के फेंक दो कहीं फंसगी तो आराम से उठा भी सकते हो अच्छा नहीं है क्योंकि लाइट वेट है बहुत फाइनली हम चीचम ब्रिज पहुंच गए हैं है, क्या बात है ओ भाई साहब नीचे तो बड़ा गहरा है ये ओहो हो क्रिकेट खेला जा रहा है पूरा उसको देखो अगर नीचे चलेगी बॉल नहीं जाएगी इतना अच्छा बैट्समैन कोई नहीं है भाई को भरोसा इतना अच्छा बैट्समैन कोई नहीं नीचे नहीं जाती बॉल आराम से फेंकना मसे मसे बॉल है उनके पास नीचे देखो भाई ओए होए 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 भाई फोटो सेशन हो गया हमारा ड्रोन उड़ा लिया अब आगे की तरफ निकल रहे हैं की मोनेस्ट्री यहाँ पे बस इतना ही था चीचम ब्रिज है और बस 3-4 स्टॉल्स लगे हैं अगर आपने खाना है तो खा सकते हो जा रहे हैं खी मोनेस्ट्री चीचम ब्रिज से होके ना रास्ते में ही पड़ती है 1.5 किलोमीटर ऊपर है बस भाई पापा और मम्मी तो ऊपर जा नहीं रहे क्योंकि ऊपर मेरे ख्याल पैदल चलना पड़ेगा ज़्यादा तो मैं और गगन ही जा रहे हैं इतनी दूर आए हैं देखे तो सही आपको भी दिखाएं बस इतने में थक गया भाई बहुत ऊपर है यार गाड़ी मेरे ख्याल यहाँ तक अलाउड है इसके आगे नहीं जा सकती वापसी नीचे जा सकती है बंदा छोड़ दे यहाँ हाँ बट इसके नीचे ना एक और पार्किंग है वहाँ लगा सकते हैं ये अंदर मेडिटेशन रूम्स हैं जिसने भाई स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है ना वो यहाँ आके हो सकता है बहुत अच्छे हैं मन को शांति मिलती है तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भाई बिल्कुल इस रास्ते की ना बिल्कुल कड़ी चढ़ाई है एकदम स्टीप है एकदम सीधा ही ऊपर ले जाता है भाई पोस्ट ऑफिस पे इधर है प्रॉपर बर्फ जो हमें प्रॉपर बर्फ अब मिली है ना पहली बार मिली है भाई साहब यहाँ मिली है पूरी स्नो और फ्लैट है देखो जैसे हम चिकन मांगते हैं तलवार खून मांगती है और हमारी स्कॉर्पियो स्नो मांगती है ओ भाई साहब पूरी परत है पूरी ओ भाई साहब अब भाई 4x4 हो गया अब पहले 2x4 में चढ़ी नहीं इस पे अब 4x4 में देखते हैं अब चढ़ गई भाई बड़ी प्यार से अब ये खुरपा लिया है तो इसका यूज करना तो बनता है ना स्नो हटाने के लिए हो गया टाइट चाहे गाड़ी फंसी नहीं है हैं बस इसके 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 मुंह भी खून लगाना जरूरी है ओए टायर क्या के जटाते हैं बेवकूफ मेरे को दिखा ऐसे नहीं हटती स्नोफॉल शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी आपको ये व्हाइट डॉट्स दिख रहे होंगे ना हल्की हल्की शुरू हो गई है अभी तो ओ भाई साहब दोनों तरफ 4-4 फीट होगी पापा ये 4-4 फीट बर्फ है भाई 4-4 फीट ये जानवरों के निशान है यहाँ पे जानवर कैट वॉक करके गए हैं एक लाइन में पूरा भाई पूरा चढ़ गया ऊपर भाई जिन्नी होते है ना मैंने लगता थल्ले चिट्ठी पहुंचे ना पहुंचे रब देख बोल बड़ी जल्दी पहुंच जाएगी चिट्ठी इन्नी उत्ते है भाई ऐसा रब नेड़े है हां यात्रा ली पड़ाओगे तो फड़ लेगा थलो ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਐਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬਸ ਐ ਲੈ ਲਓ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਲਓ ਅਰਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀ
भाई हमें पता नहीं चल रहा हम शायद गलत आ गए हैं या अभी तक हम पहुंचे नहीं है, क्योंकि हमारा जो गूगल मैप्स है उसने रास्ता बढ़ा दिया है, वो बुखला गया। और हमें ना एक नीचे भैया मिले थे, उन्होंने कहा था कि 4-5 किलोमीटर ही ऊपर है और उससे कोई और कट तो आया नहीं, ये कोई और रास्ता दिखा रहा है। अब देखे अब सही हो गया ना, 3.5 किलोमीटर हो गया। अब नहीं, अब भी गलत दिखा रहा है भाई। ये हम कॉमिक पहुंच गए हैं। झूले सर, सर लास्ट पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है सर? लास्ट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे? हिकिम में, नीचे जाके कच्चा रास्ता, कच्चा रास्ता, कच्चे रास्ते में जाना पड़ेगा। कितना नीचे जाना पड़ेगा? 2-3 किलोमीटर होगा। अच्छा, 1 किलोमीटर जाएगा फिर नीचे घूमना पड़ेगा कच्चा रोड में, फिर मिल जाएगा। ये कहाँ जा रहा नीचे? ये कॉमिक जा रहा है, वहाँ खत्म है उसके बाद रास्ता। हाँ जी, ये खत्म है, यहाँ तो जाने नहीं, सीधा जाएंगे 1 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। इसके आगे खत्म है सर? ये लास्ट है कॉमिक? लास्ट है। क्या बात है सर, सुंदर। ये मोनेस्ट्री सर? चले चलो झूले झूले सर। भाई हम आखिरी तक पहुंच गए भाई, इसके आगे खत्म है कॉमिक गांव, आखिरी है ये। इसके आगे रोड भी नहीं जा रही मेरे को लगता कहीं से भाई, पोस्ट ऑफिस वहाँ कच्चे रस्ते पे है। ये देखो ये जा रहा रास्ता नीचे, हिकिम का ना, ये देखो ICIC, हाँ हिकिम में ही जाना। ये देखो ICIC का बोर्ड भी लगा हुआ है। अब तक की ना सबसे वर्स्ट रोड है ये, सबसे वर्स्ट रोड। पता है खराब क्यों है तो वैसे चौड़ी खराब इसलिए क्योंकि ना स्नो पिघली है, टूटी हुई है, बस पानी है रोड में, उसके वजह से कीचड़ हो, पानी इस करके कि स्नो पिघली है तो कीचड़ हो रखा है। फाइनली पहुंच गए हैं। ओए होए 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 होए, कहाँ किथे है पोस्ट ऑफिस जी? झूले सर, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे? नीचे, कितनी नीचे? हाफ खुला होगा, खुला होगा बंद होगा? अच्छा, फोटो तो हो जाएगी वहाँ, लिखा होगा फोटो तो बाहर हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। पोस्ट डाल सकते हैं उसमें? पोस्ट कार्ड यहाँ से मिल जाएंगे, उसमें डाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस वैसे बंद है पर उसमें डल जाएगा। एक दे दो सर, ये डल जाएगा उसमें? ये पोस्ट कार्ड है ना, अच्छा आपको एड्रेस लिखना है और इधर मैसेज फॉर्म। ठीक है दे दो सर, एक कितने का है? ये आपको 36 पड़ जाएगा, 30 रुपए का पोस्ट कार्ड और 6 रुपए का स्टैम्प। ठीक है, स्टैम्प लगा के दोगे आप? लगा दो। चलो भाई चिट्ठी पा देंगे, इतना पहुंच जाएगी। क्या बात है, पोस्ट कार्ड चाहिए भाई? ये पोस्ट कार्ड है, इस पे लिख देना। क्या लिखोगे? आई लव यू जी। धक्के खा खाऊ के हम पहुंच गए पोस्ट ऑफिस। पूरे पोस्ट ऑफिस शेप में ही बना रखा है, यहाँ से डलना है। वो पत्र लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे डलेगा। पोस्ट ऑफिस पे पहुंच गए, 4,440 हाइट है। क्या बात है, 14,500 इसके बाद फीट। कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है ये। हेलो, हाय फ्रॉम वर्ल्ड, हाय आवाज आ रही है? हेलो देखिए वो ना आए, एड्रेस ना आए। हाय फ्रॉम वर्ल्ड, सब तो ऊंचा, हाईएस्ट पोस्ट फ्रॉम शाह फैमिली। ये जो है ये न्यू पोस्ट ऑफिस है, ओल्ड पोस्ट ऑफिस नीचे है। हाँ चिट्ठी पाना ले हम कि हाईएस्ट चिट्ठी। चलो तू पहले चिट्ठी पाई भी नहीं ना। चल भाई बोल बम। क्या बात है जी, गई चिट्ठी, चिट्ठी गई। जब आएगी ना चिट्ठी कार फिर मैं दसांगी कि केहो जे लग गया जी। वांट मी टू क्लिक योर फोटो? नो आई एम गुड थैंक्स। वेयर आर यू फ्रॉम? ओह मैन नाइस, नाइस टू मीट यू, हैव सेफ जर्नी अहेड। इजराइल से आया भाई, इजराइल भेजी थी चीज चिट्ठी पाण, क्या पता इजराइल भेजी हो। पूछूं भाई, यू आर सेंडिंग दिस पोस्ट टू इजराइल? ओह मैन आई होप दिस विल रीच सून। Take care, man. Bye. भाई हमने तो दिल्ली चिट्ठी भेजी है, हमें उम्मीद नहीं है पहुंचे ना पहुंचे, भाई इजराइल भेज रहा है, इंटरनेशनल चिट्ठी भेज रहा है। ठीक है यार, होता है, शौक होता है, आएगी तो दसांगे जरूर। हाँ हूं असी वापसी निकल रहे हैं, दूसरे रास्ते से निकल रहे हैं। हम आए हम इस रास्ते से थे, जहाँ हम इस रास्ते से रहे, ये थोड़ा सा ऑफ रोडिंग है 5-6 किलोमीटर, बट फिर उसके बाद ठीक है। जिंदगी च मम्मी चिट्ठी पाई सी वैसे? तुम
आपने कभी फिर ऐसे गलत नहीं लिखा मेरे प्रिय जीजा जी कुछ गलत नहीं लिखा तुहाडी तुहाडी वोटी मेरे को रोज चिट्ठियां लिखवांदी है जी मैनू भेजदे सी चिट्ठी ते मैं उहनां नूं भेजदी सी विच ओह ते अपनी बहन नूं ओह तेरी बहन नूं कोना भेजदे सी मतलब पहला टाइम देखो ही हो जांदा सी ना अच्छा कि डायरेक्ट वाली सीधा घर वाली चिट्ठी नहीं भेजदे साली चिट्ठी भेजदे हां बिल्कुल मैंने याद क्या बात है कैसा फैमिली आई यार ये पापा आपने भेजी थी आपने मेरे को मैंने किसी को नहीं भेजी मेरे को चिट्ठियां आती थी देख रहे हो आप पापा किसकी यार पापा कोई कुड़ी की ऐसी कोई चिट्ठी आई हो आप आई थी एक जम्मू से आई थी क्या आई थी चिट्ठी आई थी क्या लिखा गया था उसके अंदर बहुत पुरानी बात है अब याद नहीं याद तो है मम्मी साथ बैठी होनी था वहाँ मम्मी को हैंडराइटिंग ही पता है वहाँ इश्क के फरनामे खुल रहे हैं ये दिक्कत होगी मतलब असली सलाह बहन जी जम्मू में है भाई यहाँ पे पंगा हो गया हमारा फ्रंट टायर पंचर हो गया टायर फट गया तो पंचर नहीं ले सकता दूसरे वाला टायर बड़ी आराम आराम से लेके जाना पड़ेगा फटा है पंचर हुआ पापा फट गया टायर ही फट गया भाई हमारा यहाँ पे कोई पत्थर लगा है भाई तब फटा जाके भाई ये वाला जैक हमारा काम नहीं कर रहा दूसरा बड़े वाला जैक है वो निकाल रहे हैं अब हम निकला भाई सुमित पाजी से बात हुई है वो कह रहे हैं टायर यहाँ पे मुश्किल ही है काजा में मिलना क्योंकि 18 इंच टायर है नंबर जो भी है तो मुश्किल है रामपुर मिल सकता है डॉकिंग पीओ में महिंद्रा का शोरूम है मतलब महिंद्रा का वो है जो होता है चिकले होता है इसी में कोई भलाई है ये हमारी गाड़ी बीच में फंसी हुई है पीछे भी एक गाड़ी आ गई है वो भी नहीं निकल सकती जब तक हमारी गाड़ी नहीं हटेगी भाई अभी ये लगाना है ताकि इससे नट खुल जाए जल्दी जल्दी गाड़ी बंद करना सर आप काजा से हो जी सर काजा में टायर मिल जाएगा इसका नहीं मिलेगा सर काजा कहाँ मिलेगा रामपुर में मिलेगा रामपुर में ही रामपुर तो दूर ही बहुत है टायर उठने से पहले पूरा तब खोलिए थोड़ा नहीं भैया का भाई थैंक यू सो मच भैया बोले बट दिक्कत ये है हमारे पास एक्स्ट्रा टायर नहीं है ना इसके सामने वाला का पहले इसके सामने वाला वो फट गया ना पंचर नहीं हुआ ये स्टेप नहीं है भाई अंकल के साथ लड़का था वो पैदल कहाँ पहुंच गया वो भाई नीचे ही पहुंच गया वो थैंक यू सो मच सर ये कहते ना सुबह हमने किसी की हेल्प करी अब हमारी सर ने कर दी मैंने भी स्कॉर्पियो एन का टायर बदलना सीख लिया इसका तो बड़ा औखा है टायर बदलना ग्रैंड विटारा का तो फिर भी आसान है इसका तो ये मशीन क्यों रखी हुई है मैंने ये मशीन की वजह से आसानी से हो गया मैंने बोली तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है क्या कि इन्होंने अपना जो प्लग होता है जिसमें चार्जिंग प्लग होता है जो अच्छा ये इन्होंने डिब्बे में दे रखा है अच्छा अगर बंदे ने आगे टायर नहीं बट हम कर लेते हैं हमारे पास वेंट्रो भी है और एक्सटेंशन बोर्ड भी है नहीं है इसमें जब लगना तेरा वो है अच्छा दूसरा डायरेक्ट लगना तो वेंट्रो वगैरह कोई काम नहीं करेगा ओके ये चीज सेंटर में होनी चाहिए ताकि चारों तरफ से आसानी से कर सके अब मैंने आगे डायरेक्ट बैटरी में क्यों लगाया क्योंकि तार छोटी थी ये तो तार लंबी देते ये मैंने महिंद्रा का स्पेशली ले रखा है क्योंकि मेरे को पता है कि इसके टायर उठाने और खोलने पड़े बड़े औखे अकेला होता फिर तो हालत टाइट हो जाती इसका जैक अभी खराब हो रखा है तो इसका जैक नहीं तो उससे एक मिनट में गाड़ी पूरी उठ जाती है
भाई हमने अपनी जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई थी ना तजिंदर पाजी सुमित पाजी दोनों के साथ शेयर कर दी। तो सुमित पाजी ने कहा रामपुर मिल सकता है, यहाँ नहीं मिलेगा। तजिंदर पाजी ने भी सेम कहा कि यहाँ नहीं मिलेगा, रेकोंग पीयू मिल सकता है, रामपुर मिल सकता है। भैया जो हमारे साथ थे उन्होंने भी यही कहा। तो यही दिक्कत है कि अब आराम से हम आप तक पहुँच जाएँ, क्योंकि अब हमारे पास एक्स्ट्रा स्टपनी नहीं है। अब हम जितने टायर हैं उन्हीं के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं आगे। ये बच्चा ना अंकल के साथ था, ये फोटो वाला झूले आ गए आप ऊपर से नीचे। भाई इसको कहते हैं ऊपर खड़ा नहीं हुआ नीचे आ गया गाड़ी में, पीछे गाड़ी में बैठ जाएगा। ये सही है, अब मौज है अगले की, मस्ती है, यही तो मस्ती है बच्चों। हाँ बेटा सुबह का कुछ खाया भी नहीं हुआ, बस वही जो सुबह हमने अपने होम स्टे पे खाया था, दो पराठे और थोड़ा सा पोहा। भाजी तुम्हारा मैंने केला भी खिलाया है, पिन्नी भी खिलाई है, केला कूला कल खिलाया था, एक सेकंड लगेगा बस यार, दिखा लो पूछ लो, ऐसे सेफ्टी हो जाएगी आपकी। चलो पूछ लो। ब्लॉग बनाते बनाते एकदम आंख चल गई उसपे भाई पे। भाई पूरी टायरों की दुकान है भैया, टायर फट गया है, वो पेयर हो सकता है। टायर निकाल भाई, करण की टेढ़ी आंखें भी काम कर जाती हैं। ओए भाई काम हो गया अपना, हो जाएगा। कि आपको भी बता देता हूँ, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो ना तो काजा में ही मिल जाएगा, लोकेशन मैं बता देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ब्लू माउंटेन होटल कैफे के पास है यार, ब्लू माउंटेन होटल कैफे के पास है भाई। अगर कभी किसी को जरूरत पड़े ना, कुछ हो जाए ऐसे, तो बिल्कुल ब्लू माउंटेन होटल कैफे के सामने। कैच तो लगाना ही पड़ेगा ना, फिर भी है हल्का सा, ये ज्यादा नहीं है। अभी दबा देगी तो हवा बंद हो जाती है, ना तो उसे दबा के देखा दबा दूँ हवा बंद। मैं आपकी बात समझ गया ना, कनाड़ी पे है ना ये हवा, इतनी जल्द टलेगी तब पता चलेगा ना। वह टायर यूज तो उसी में करना स्टेपनी में, स्टेपनी ट्यूब तो डालनी पड़ेगी ना फिर। लेकिन एक्सप्लेन करें प्लीज़ आप, आपको ज़्यादा पता गाड़ी का क्या सिस्टम है। अंदर से पैच लगेगा, अंदर से पैच लगेगा क्योंकि जो बीच में तार भी होती है टायर के, अच्छा वहाँ तक डीप पंचर हो गए, और ट्यूब भी डलेगी, ट्यूब डलेगी और अंदर से पहले पैच लगेगा ताकि कल को अगर बाय चांस किसी ऐसे टेरेन पे आप जाते हो तो उस छेद में से ट्यूब ना फटे, ट्यूब ना बाहर आ जाए। अच्छा हवा भरेंगे तो हवा भरने से ट्यूब ना बाहर आ जाए तभी पैच लगेगा, और कुछ छोटे पार्टिकल्स अंदर जाके ट्यूब को ना फाड़ दे। गुड, वेरी गुड, काउंटिंग माइल्स देखने का फायदा लग रहा है मेरे को आज। नहीं काउंटिंग कार्ड, सॉरी काउंटिंग कार्ड, काउंटिंग कार्ड। 50 TV 18। वेल्डिंग का काम है, वेल्डिंग का काम है, टायर का है, टायर का है, गड्डी का माड़ा मोटा रिपेयर का है। अच्छा ते राती होटल, राती 8-9 बजे तक खुला होगा ना, राती होटल कह रहे हो 8-9 बजे तक। हाँ ये अभी शुरू की गया करना काम से। अच्छा ये यहाँ पे नान लगेंगे यहाँ पे, क्या बात है। मैंने अंकल को अंकल भूख ले रही कुछ ज्यादा, अंकल कहते चाह पिला देना, हले होटल का काम नहीं शुरू होया है कि थे दसो लोगों को, कोई लोग वेखन गए उन्होंने कोई हेल्प हो जाएगी। के चौधरी ट्रेडिंग कंपनी है, के चौधरी ट्रेडिंग कंपनी। और सड़क केड़ी है, काजा टू मनाली रोड, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल के पास, सिविल हॉस्पिटल के पास। भाई किसी भी दिक्कत हुई ना तो कॉन्टेक्ट अंकल, अंकल हैज एवरीथिंग, सब कुछ सारे जुगाड़ ने अंकल को। ये देखो इतना बड़ा पैच लगेगा टायर के अंदर, हो गया भाई ऐसे एक पंगा और हो गया है। क्या जो हमारा कंपनी वाला टायर है वो भी खोलना पड़ेगा। क्यों? क्यों हमने ये वाला टायर जो खुलवाया है ना, हाँ अभी ये जो फटा था, जो फटा था उसमें जो ट्यूब डलवा रहे हैं तो उसमें जो ट्यूब की जो हवा भरने वाला लगा हुआ है ना, टीपीएमएस कंट्रोल जो होता है उसमें सेंसर है हवा कंट्रोल करने वाला, जिससे पता लगता है गाड़ी के अंदर की हवा कितनी है टायर में। वो कहता है ट्यूब डालेंगे तो हम इसको काटेंगे, ये तोड़ना पड़ेगा, काटेंगे तो फिर नुकसान मोटा हो जाएगा। किसको काटेंगे? सेंसर को काटेंगे, तोड़ेंगे। अच्छा वो वाला टायर खुलवा रहे हैं, वो टायर नया है हमारा, वो टायर हम इसमें डलवाएंगे, उस रिम में ये वाला टायर डलवा के और ट्यूब डलवाएंगे, इसलिए वो टायर भी खोला जा रहा है। इतना तो सेन कॉस्ट सीधा मुश्किल नहीं था जितना ये इक्वेशन सॉल्व करनी होगी है। ठीक है भाई,
जिसको समझ आ गया होगा आ गया होगा, बट एक पंगा और हो गया। स्टेपनी और इस वाले टायर का अलॉय चेंज हो रहा है ताकि सेंसर ठीक रहे, काटना ना पड़े। हाँ बस भाई सीधी बात ये है। ए यार इतना बता देते हैं, वो जो स्टेपनी वाला टायर होता है उसमें सेंसर नहीं होता। हाँ। सीधी बात, तो हमने जो स्टेपनी वाला टायर लगाया था उसका अलॉय वो जो फटा है उसके अलॉय से चेंज करे ताकि सेंसर लगा रहे। भाई थैंक यू अंकल का, हमारा टायर का काम हो गया। मेरे को पता है ऐसी बीमारी है पापा ना, अंकल पापा की उम्र के होंगे। पापा अंकल कह रहे हैं मतलब आपने 10 किलो वजन कम कर लिया तो आप जवान हो गए। पापा अंकल कह रहे हैं थैंक यू अंकल। नहीं बट यार सीरियसली थैंक यू भाई, हमारी ना टेंशन बनी रहती है ऐसे है। बिल्कुल सही बात है, अब आराम तक आराम से कोई दिक्कत नहीं है भाई। फाइनली हम ताबू पहुंच गए हैं। पापा ने सुबह बोला था 99% मैं वापसी आऊंगा, अभी रात सर ही बोले सर आप तो बड़े फाइटर हो सर, अब बोल के गए थे वापसी आएंगे, वापसी आ गए सर आप तो। ये दो वाली बैटरी पर हमें कोई दिक्कत नहीं आई यार वापसी आते हुए, टायर पंचर नहीं, 2 घंटे पहले आ जाते, ऊपर भी पहले टायर बदला, नीचे भी तो फिर करवाया। बिल्कुल 7 बजे पहुंच जाते हम। चलो राज सर क्या हाल है जी, कैसा हमने क्या कहा था 99% आएंगे हम। ठंड बहुत है आज, ठंड है आज। मम्मी हुन तो थल्ले आ गए, हुन की कहना चाहोगे? हुन खुश है। आप वहीं आ गए ना जहाँ कल रहते थे। कल और फ्रेश हो मांगे, आज थकावट हो गई है ना। कल जब नीचे जाते जाओगे जान आती जाएगी। हाँ बिल्कुल, फिर मैं बोल लांगी। भाई फाइनली ए दिन ऑल ही इस व्लॉग नु कर दिया, एंड वेरी वेरी टायरिंग डे एंड एडवेंचरस डे। मैं उम्मीद करता था तुम पसंद आ गए थे, पसंद आ गए थे। जैकेट उतार के एक साइड पे रखांगे मोटिया मोटिया। देख रहे हो जोश, देख रहे हो। जिन्हें सब्सक्राइब ठोक दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले दिन। बाय बाय, टेक केयर।